मध्य प्रदेश का पन्ना जिला वैसे भी हीरो की नगरी के नाम से देश व दुनिया में जाना जाता है। कहते हैं कि भगवान जुगल किशोर की नगरी में कब किसकी किस्मत चमक जाए इसका अंदाजा लगाना मुश्किल होता है, जिसके कई जीते जागते उदाहरण भी इस जिले में मौजूद है। आज फिर एक मजदूर आनंदी लाल कुशवा को भी पन्ना की धरा में रंग से राजा बना दिया और बेशकीमती उज्जवल जेम क्वालिटी का हीरा मिला है, जिसकी अनुमानित कीमत 30 लाख से ज्यादा बताई जा रही है। पन्ना के रानीपुर की उथली हीरा खदान में मजदूर को यह बड़ा हीरा मिला है, जिसको मजदूर और उनके साथियों ने हीरा कार्यालय में जमा कर दिया है। कोरोना संक्रमण के चलते देश में 22 मार्च के बाद से लॉकडाउन चल रहा था। जैसे ही अनलॉक हुआ और पन्ना में उथली हीरा खदानों में काम शुरू किया गया, लॉकडाउन के बाद से यह पन्ना हीरा कार्यालय में पहला बड़ा हीरा जमा किया गया है। वहीं मजदूर का कहना है कि भगवान जुगल किशोर की उन पर कृपा हो गई, पहले भी इस खदान में 70 सेंटीमीटर का हीरा मिल चुका है। पन्ना से चरणजीत सिंह बंजारा की रिपोर्ट। मजदूर को हीरा मिला है, कितना ही साइज हीरे की और क्या कीमत है ये बताइए। कितने दिनों से मेहनत कर रहे थे, आज हीरा मिला है, कितनी खुशी महसूस कर रहे हैं? बहुत खुशी प्राप्त हो रही है। हम लोग सभी पार्टनर हमारे 6 मार्च से खदान लगाए हुए थे, जो कि पहले भी 70 सेंट की एक रेट प्राप्त हुई थी, वो भी कार्यालय में जमा कर दी थी और आज अच्छा बड़ा हीरा मिला है। 10 कैरेट से ऊपर का हीरा है, 10 कैरेट 69.5 का, जिसमें बहुत खुशी प्राप्त हुई, जिसमें सभी पार्टनरों का सहयोग है, सभी मिलकर काम करते हैं। कितनी खुशी की बात है, अब क्या करेंगे, इतने सारे पैसे मिलेंगे आप लोग? खदाने ही लगाते रहेंगे सर, जब खदान से उज्ज्वल हो रहा भविष्य तो खदाने ही लगाएंगे। खदान में धरती माता सुनेंगी तो और आगे बढ़ेंगे। अच्छा, क्या नाम है आपका? आनंदी लाल कुशवाहा। ये आनंदी लाल कुशवाहा को जो धाम मोहल्ला के रहने वाले हैं, इनको रानीपुर में 17/20 का पट्टा जारी किया गया। इनको आज ये 10.69 कैरेट का हीरा अच्छे किस्म का जमा किए हैं। इसके पहले इन्हें 14 तारीख को 70 सेंट का हीरा भी जमा किया गया। इस पट्टे में 2 हीरे अभी तक प्राप्त हो चुके हैं और ये दोनों हीरे अच्छे किस्म के। इस हीरे की कितनी कीमत आंकी जा रही है? क्या कीमत तो ये एक वैल्यूएशन के आधार पर तय होती, किसी भी हीरे की पूरी कीमत नहीं बताई जा सकती है, लेकिन बहुत अच्छे किस्म का हीरा है। क्या मानते हैं, लॉकडाउन में पहला हीरा मिला है कोरोना संक्रमण के चलते? नहीं, लॉकडाउन के बाद ये जो धुलाई का काम है पानी गिरने से हुआ है, इसमें हीरे मिलने की संभावना रहेगी और मैं प्रयास ये रहेगा जो गत वर्ष में हीरे प्राप्त हुए थे उसके बराबर पर लॉकडाउन को स्थित के बाद भी अपन पूर्ति कर सकते। कोरोना संक्रमण के चलते जो 4 माह का लॉकडाउन हो चुका है, अभी पहला हीरा जमा हुआ है? हाँ, बड़ा हीरा पहला जमा हुआ है, इसके पहले कई हीरे जमा हो चुके हैं। लॉकडाउन के चलते पहले भी बहुत हीरे जमा चुके हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।